नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत ने चीन को तबाह करके रख दिया है। चीन अपनी ही चाल में फंसता जा रहा है और विश्व में उसका स्तर गिरता जा रहा है। दरअसल दुनिया के बड़े बड़े देश कोई चीन का साथ छोड़ रहा है तो कोई चीन में काम करने वाली विदेशी कंपनियां अब भारत में आ रही हैं, जिससे चीन बौखला गया है। देखिए इस रिपोर्ट में अपने बिछाए जाल में आखिर चीन कैसे फंसता चला गया। पाक से पहले अब चीन होगा खाक। कोरोना महामारी चीन पर बहुत भारी। चालबाज चीन के टुकड़े टुकड़े होने शुरू। अपनी ही चाल के जाल में चीन। ताइवान ने चीन को दिखाई आंखें। चीनी शासन से आजादी का ऐलान। दुनिया भर को अपनी शतरंजी चालों में फंसाने वाला चीन अब अपने ही बने जाल में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ चीन पर कोरोना वायरस की स्वतंत्र जांच की तलवार लटकी हुई है, दूसरी तरफ सीपेक प्रोजेक्ट में 630 मिलियन डॉलर का बड़ा नुकसान हुआ है। तो अफ्रीकी देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समझौतों को रद्द करना शुरू कर दिया है। अब जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ताइवान है। ताइवान ने चीनी शासन से आजादी का ऐलान कर दिया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेन ने कहा है कि ताइवान अब संप्रभु राष्ट्र है, वो चीन के अधीन नहीं है। ताइवान अपने ऊपर चीन के संप्रभुता के दावे को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि हमें ना तो चीन का शासन मंजूर है और ना ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार का दिया हुआ स्थानीय शासन। हम आजाद राष्ट्र है। हाँ, अगर चीन ताइवान के साथ सह अस्तित्व के अवधारणा को स्वीकार करता है तो उससे बात हो सकती है। ताइवान के तल्ख तेवर से साफ है कि या तो उसे झुकना होगा या फिर चीन के टूटने की शुरुआत हो चुकी है, यानी दोनों ही तरफ चीन बुरी तरह मरने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि आज ताइवान ने ऐलान किया है, कल कोई दूसरा राज्य ऐसी ही घोषणा कर सकता है। अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण करने के बाद साई इन वेन ने कहा कि ताइवान और चीन के रिश्ते अब ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों को सह अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप आगे के रिश्ते बनाने के लिए सोचना होगा। इसी के साथ दुश्मनी और मतभेदों को भी दूर करना होगा। ध्यान रहे, साई इन वेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जनवरी में हुई संसदीय चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। साई इन वेन ने मतदाताओं से वायदा किया था कि चीन के उस दावे की हवा निकाल देंगी जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि ताइवान में नियंत्रण कायम रखने के लिए बल प्रयोग भी किया जा सकता है। साई ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि हम शांति, समानता, लोकतंत्र और संवाद चाहते हैं। हम बीजिंग के शासन को नहीं स्वीकार करेंगे। एक देश में दो शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। दुनिया की कोई भी ताकत ताइवान की प्रतिष्ठा को कम करके नहीं आंक सकता। यानी इतना तो तय है कि चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीन से करार तोड़ती विदेशी कंपनियां, चीन से मुंह मोड़ते दुनिया के बड़े बड़े देश, चीन छोड़ भारत में काम करेंगी बड़ी कंपनियां। भारत का नाम सुनकर बौखला गया चीन। चीन में भारत की जबरदस्त गड़गड़ाहट। अब भारत में काम करेगी एप्पल और ओपो। जब चीन से बड़े बड़े देशों ने मुंह फेर लिया तो इन ऐलानों ने चीन को और भी सकते में डाल दिया। और होश तो चीन के तब उड़े जब चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों ने भारत में डेरा डालकर काम करने का ऐलान कर दिया। एक के बाद एक कई कंपनियों ने चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान किया, जिससे ड्रैगन बौखला गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन चीन का विकल्प नहीं बन पाएगा। उसने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को दलाल तक कह दिया। दरअसल
जर्मनी की जूता कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से आगरा शिफ्ट करने की बात कही है, तो ओप्पो और एप्पल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी अब भारत में शिफ्ट होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि पहले अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और अब कोरोना वायरस महामारी में सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से करीब 1000 कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की मशहूर फुटवियर कंपनी वॉन वेल्क्स चीन से अपना कारोबार समेट कर उत्तर प्रदेश के आगरा में शिफ्ट होने जा रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार कर काम करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार वॉन वेल्क्स स्वास्थ्य के अनुकूल फुटवियर बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है, जो पैरों को आराम देने, घुटने, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से आराम दिलाने वाले जूते बनाती है। जर्मन ब्रांड वॉन वेल्क्स के जूते दुनिया के 80 देशों में करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ ग्राहकों को बेचे जाते हैं। इस कंपनी को 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसके प्रोडक्ट अब 500 से ज्यादा इलाकों की टॉप बाजारों में उपलब्ध है। इस कंपनी के प्रोडक्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है, यानी अब चीन दुनिया के हर बड़े देश से कूट रहा है। चीन से हर देश का साथ छूट रहा है और धीरे धीरे अब चीन घुट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।